हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई की लोकल ट्रेन के लिए। जी हां, मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिरकार मुंबई की लोकल ट्रेन में आम जनता को कैसे मिल सकती है राहत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पश्चिमी रेलवे पर सफ़र करते तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी निकल के आ रही है। कोरोना काल में एक लोकल ट्रेन में भीड़ को कम करने को लेकर रेलवे ने उठाया एक बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के दौर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने अंधेरी और विरार स्टेशनों के बीच अपने स्लो कॉरिडोर पर 15 डिब्बों की लोकल ट्रेन की सेवा शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इससे एक बड़ी राहत मिलेगी आम जनता को, क्योंकि लंबे समय से लोकल ट्रेन बंद है आम जनता के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना आम जनता को करना पड़ रहा था। धीरे धीरे करके अब लोकल ट्रेन आम जनता के लिए शुरू हो रही है और इसी वजह से लोकल में एकाएक भीड़ ना बढ़े, इसलिए 12 डिब्बों की जगह अब 15 डिब्बों की लोकल ट्रेन आपकी अंधेरी से विरार के मध्य चलाई जाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा इस रूट पर होने वाली भीड़ को मिलेगा, जिससे काफ़ी कम गर्दी देखने को मिलेगी। तो बात करें इस समय लोकल ट्रेन में सफ़र को लेकर, तो अभी अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही अनुमति है, लेकिन जुलाई महीने के पहले सप्ताह से ही काफ़ी लोगों को अनुमति मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय से लोकल बंद होने की वजह से आम जनता में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी देखने को मिली। लेकिन अब फाइनली लंबे समय के बाद लोकल धीरे धीरे करके खोली जा रही है। पहले चरण में महिलाओं को अनुमति मिल सकती है, साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए भी, लेकिन किसे कब सफ़र करने की अनुमति होगी ये फिलहाल अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि नया टाइम टेबल क्या होगा, महिलाओं को कितने घंटे की अनुमति होगी और साथ ही जो कर्मचारी हैं प्राइवेट सेक्टर के उन्हें कितने घंटे की अनुमति मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।